थोड़ा लाउड बोल ना माइक का. यस यस यस. घंटा अवार्ड इस साल, हर साल घंटा अवार्ड होता है, लेकिन इस साल कुछ अनोखा देखने मिल रहा है. क्या है पूरा? वैसे इस साल स्केल थोड़ा बड़ा है. हमारे पिछले अवार्ड्स सिर्फ एक पोडियम और सामने एक स्टिकर लगा हुआ था, तो अगर आप इस साल हमारा स्टेज देखेंगे तो वी हैव स्केल्ड अप द शो. वी हैव अ ब्रांड न्यू रेंज ऑफ टैलेंट. वी हैव नीति पाल्टा, राधिका बाज, मनन देसाई एंड संजय रजोरा, वो गोना बी प्रेजेंटिंग द अवार्ड्स. और उसके अलावा हर साल हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी तादाद बढ़ रही है. वो अपने साथ और लोगों को ला रहे हैं. द ब्रांड इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर विद द पीपल. सो जस्ट अ मच बिगर शो देन द लास्ट. कहीं ना कहीं एक घंटा अवार्ड की अगर बात होती है जी, कहीं ना कहीं एक मजाक भी उड़ाया जाता है स्लैब्स में जी. वो स्लैब्स कहीं ना कहीं उससे चिड़कर आते नहीं है, ऐसा कुछ सुनाया नहीं गया है मुझे तो नहीं है. मैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आते हैं. लेकिन यू नो आई फील कि वे ऑल वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट काइंड ऑफ वर्क वी डू. हमें पता है हम कब अच्छा काम करते हैं, कब हम थोड़ा सा अजीब सा काम भी कर लेते हैं. आई फील जिस तरह हम अपने अच्छे काम को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह अगर हमारे नॉट सो गुड वर्क को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस दें. इट्स स्पॉटिंग, नथिंग एल्स. Well, you know, like I said, nominations main nahi karti hu. That's done by a jury of well-known critics. And like I said, ki wohi filmon ko review karte hain, to wo jahan par compliments bhi dete hain, wahan par big bats bhi aate hain. And nobody is too small to do a big film, and nobody is too big to do a bad film. How is Bollywood reacting to your awards? Well, we're all alive, so I'm guessing none of our lives are being threatened. But they definitely opening up to the idea. धीरे धीरे कर कर पहले साल से छठे साल में अगर आप number of nominees देखें, acceptance देखें, guests देखें, तो there's clearly a warming up that's happening to the Ghanta. श्रुति, इस साल एक नया चीज़ देखने मिला है कि flop जो movie है जी, दर्शक बाहर निकल के बोलते हैं कि बकवास है, तो उनके पैसे भी returns करवाए जा रहे हैं. जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए एक्चुअली हम कोई है नहीं फिल्मों को सराहने वाले या उनको क्रिटिसाइज करने वाले. द फाइनल जजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु पेज फॉर द टिकट. एंड अगर कोई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं तो वो हमारी वजह से तो नहीं चली हैं, इट्स बिकॉज द ऑडियंस हैज़ रिजेक्टेड देम. सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द ऑडियंस. आज किसकी टांग खींचने वाली है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सबकी टांगें खींचेंगे. ओके, थैंक यू. वेट की बात मत करना, बोल रहा हूँ. थैंक यू यार. ये सवाल मत पूछ मेरे से, ये बहुत ही मुझे मिलनी चाहिए जिस तरह की पिक्चरें मैं कर रहा हूँ. नहीं, आई थिंक यार सी, इफ आई एम बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई वुड से सारे फिल्म बनाते हैं, कुछ फिल्में चलती कुछ नहीं चलती, गड़बड़ हो जाती है, ये हो जाती. सो किसको मिलना चाहिए वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई प्रॉमिस यू जब कोई फिल्म बनाता है ना वो ये सोच के नहीं बनाता कि मैं इतनी बुरी बनाऊँगा पिक्चर कि मुझे घंटा अवार्ड मिले इसके लिए, तो वो होता नहीं है. सोच होती है सबकी अपनी. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं घंटा? यार मैं उस काबिल नहीं पहुंचा कि मुझे अवार्ड मिले. नहीं यार, नहीं मेरा टेलिंग समथिंग, मुझे कहीं पे मुझे लगता है कि हम लोग हैं ना, वी टेक आर सेल्फ टू डैम सीरियसली. आई थिंक यू नीड टू लाफ ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू हैव दैट थिंग. अगर आप दूसरों पर हंसना चाहते हो या पसंद है आपको, तो अगर आप अपने आप पर भी, आई थिंक यू शुड बी एबल टू. ह्यूमर इज लाइक गांधी जी सेड, नो इट्स अ डिफाइनिंग ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. I would have committed suicide long time back. It's a statement. Somewhere, I think we as a country, as people, have become too serious. We need to lighten up. And I think things like this is a brilliant thing. Sir, I can listen to one time. I think last to welcome to Karachi.
माइंड ब्लोइंग है, मतलब उसको तो मिलना चाहिए अवार्ड. और आई थिंक उसके पहले कौन सी की थी नहीं यार, बढ़िया पिक लाफा मारो साले इतनी अच्छी पिक्चर है नहीं यार ठीक से बात नहीं, आई थिंक इट वाज अ गुड फिल्म. आई थिंक आई टेल यू जो भी कहना प्रॉब्लम क्या था, इट वेंट बाउंसर क्या था सर, इट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी जो हॉलीवुड में चलती यहाँ नहीं चलती. ये 5 साल 10 साल दो कोई ना कोई और बनाएगा बड़ा एक्टर, फिर सबको मजा आएगा. सॉरी दिल वाले के लिए नहीं है, शाहरुख इज नॉट बैड, ही इज गुड. लेकिन घंटे अवार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई कुछ एक्टर्स अपने पर मजाक सहन नहीं कर पाते, वो अवॉइड करते हैं, तो आप क्या? वो उनकी पसंद है यार, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. आई डोंट हैव अ इशू विद दैट. आई थिंक जैसे मैंने कहा कि अगर आप दूसरों पे हंसते हो तो फिर आप कोई आप पे हंसता है तो यू शुड बी एबल टू टेक इट, यू शुड हैव दैट सपोर्टिंग स्पिरिट. Absolutely positive. I think you should accept it. So lastly, what are you looking forward to? This is the fifth lastly, by the way. So what are you most looking forward to this season? I know, yeah. Good humor, fun, good laugh. I think that's what we need. And that's what we're going to get, hopefully. Yeah. Sanjay Dhamali sahab, aapki movie Shadow City. Phir wahi karna hua. What happened? It was Irfan and me. बट इरफान चला गया, उसके साथ सारा फान चला गया पिक्चर का. गुड बाय घंटे की बात करिए, अभी कुछ गर्मी लग रही है यार. अरे छोड़ना बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलने चाहिए थे. लकीली वो इतने साल पहले थे घंटा अवार्ड्स के इंस्टॉलेशन से पहले, तो मुझे कभी अवार्ड मिला नहीं. लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे इतने पसंद नहीं है अवार्ड्स. इस अवार्ड का कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है. और अब कॉमेडी और हमारा जो हमारी इंडस्ट्री है वो ऑफ एज आई है कि घंटा अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स को की स्थापना भी होने दे रही है और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लग रही है. लेकिन जिस शो में मैं इतने सालों थी कॉमेडी सर्कस, उसने तो एक नया ही अंदाज़ किया था कि इतनी इंसल्ट करो लोगों की, इतनी बेइज्जती करो कि वो लोग खुद आपके शो पर आएं और बोलें कि मज़ा तभी आता है जब हमारी बेइज्जती होती है. सो दैट इज़ आई थिंक कॉमेडी सर्कस में जो जैसी कॉमेडी थी उसी अंदाज में ये अवार्ड शो है घंटा अवार्ड. इस साल की बड़ी मूवी कौन सी जो आपको लगता है कि घंटा अवार्ड मिलना चाहिए? मैं सॉरी, मैं पिक्चरें देखती नहीं. प्लीज़, इट्स नॉट अ क्लीशे, लेकिन अगर आप मुझे 3-4 फिल्मों के नाम देंगे तो शायद मैं बोल सकती हूँ. ऐसे मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म. दिलवाले हो गई, प्रेम रतन हो गया, ये प्रेम रतन मैंने देखी नहीं. बोल बच्चन बहुत अच्छी फिल्म थी. सॉरी अगर मुझे लगता कि बोल बच्चन अच्छी नहीं थी, नॉट बिकॉज मैं थी उसमें. आई थिंक बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म. हर फिल्म में एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके लिए आप घंटा अवार्ड दे सकते हो. तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन में ऐसे क्या चीज़ थी. मेरा नाम मत लेना. नहीं ऐसा नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रही, अगर मुझे नहीं अच्छी लगती मैं बोलती. लेकिन आई थॉट बोल बच्चन वॉज एन एक्सेलेंट फिल्म. मेरे करियर की बहुत है, मतलब मैं शायद 2-4 ही फिल्में हैं जो मैंने ठीक ठाक की.
आई स्वेयर आई डोंट आई नो ठीक ठाक वाली कौन सी थी, जलवा अच्छी थी, कुछ कुछ होता है अच्छी थी, मोहब्बतें अच्छी थी, ये चार पांच अच्छी फिल्में और दो चार अच्छी फिल्में करी हैं ज़रूर, मैंने नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन उसके बाद राजा हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके अलावा मैंने बहुत बी ग्रेड फिल्में की हैं जिसमें बहुत गंदे रोल किए हैं, सबके लिए मुझे घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। मैं ना बहुत गलत पर्सन हूँ सवाल पूछने के लिए, मैं ड्राइंग रूम में बैठ कर, मैं अपने घर में बैठ कर मुझे याद आती है, अब आप ऐसे कैमरे के सामने मुझे बोलेंगे कुछ याद नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। मैं बोलने से नहीं डर रही, लेकिन ऐसा कौन सा हमारा बंदा है इंडस्ट्री में जिसको जिसका इतना ख़राब करियर रहा हो, जिसका नाम भी अब आपको याद होगा, जिसको घंटा अवार्ड मिलना चाहिए। अगर किसी ने इतने सारे रोल किए हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। सी आई थिंक फ्रॉम शाहरुख खान टू down to the smallest artist in our industry, ab Shahrukh should not feel bad about it, but hum sab ne kahin na kahin ek aisi performance di hai which must be deserving of a ghanta award. So I hope Shahrukh, I'm sure, has a sense of humor to understand what I'm saying from Shahrukh to Akshay to anybody, all the top heroes, kahin na kahin aapne ek aisi agar aap honest hain to aap ye janenge ki aapne aisi koi performance zarur di hai jahan par aapko ghanta award milna chahiye. अभी मैं बोलूँगी दिलीप साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दी, आई थिंक ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी ख़राब शॉट ही नहीं दिया शायद, यू नो, अब वो आजकल जो फिल्में कर रहे हैं उसमें एक डेंजर आ रहा है कि कहीं ऐसी फिल्म ना कर बैठे वो, बट अदरवाइज सो मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में कि कोई ऐसा एक्टर नहीं है दुनिया में जो कह सकता है मैंने कभी ख़राब परफॉर्मेंस दी ही नहीं, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर सो ब्यूटिफुल एज एक्टर्स दैट उनको लगता है देख कर जो दिलीप साहब को कि यार ये तो खराब परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिलीप कुमार, दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा ना, जैसे कि कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है घंटे अवार्ड से कि किसी एक्टर्स को अपने लिए मजाक सहन नहीं होती है, वो अवॉइड कर देते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि घंटे अवार्ड किसके लिए बना है? किसके लिए बना है मतलब किसी एक्टर्स को जो घंटे अवार्ड में मजाक उड़ाए जाते हैं, मूवी के मजाक उड़ाए जाते हैं, किसी किसी एक्टर्स को पसंद नहीं आते वो अवॉइड कर देते हैं जैसे घंटे अवार्ड, अब मैं सवाल नहीं समझी, लेकिन लास्ट का बिट में समझी नहीं क्या मतलब सवाल क्या है, समझ गई कि घंटा अवार्ड लोगों को पसंद नहीं आते, हाँ, सवाल क्या है? जो स्लैब्स होते हैं, हाँ, लिस्ट होती है स्लैब्स, हाँ, वो कम हुए या ज़्यादा बढ़ गए हैं इस अवार्ड्स के लिए? अच्छा, मतलब जितने तादाद उनकी क्वान्टिटी बढ़ गई है, अब मुझे तो पता नहीं लिस्ट कितनी लंबी है, अंदर कितने लोगों को घंटा अवार्ड्स मिलने वाले हैं या नॉमिनेट हुए, आई डोंट नो, बट ये प्रथा जो अभी चली है, मैंने कहा ना कॉमेडी सर्कस में प्रथा चली थी इंसल्ट करने की, और ये ऐसे हॉलीवुड में भी अवार्ड्स हैं जहाँ पर आपके ख़राब परफॉर्मेंस पर आपको पहचाना जाता है, तो ये एक प्रथा चली है, अब ये तादाद में बढ़ेंगे ही, और सेलिब्रिटीज़ धीरे धीरे अपने ऊपर हंसने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बहुत कम लोगों को गट्स है कि यहाँ पर आकर वो अवार्ड लें, तो मैं तो बोलती रहती हूँ मेरी कोई ऐसी परफॉर्मेंस आए जहाँ पर आप मुझे अवार्ड दें तो डेफिनेटली मैं आऊँगी। रूमर बहुत ऐसे मेरे करियर में तो बहुत सारे मेरे बारे में रूमर्स, रिमेंबर नाउ, बट हमेशा कोई लिंकअप कर देते थे इसके साथ उसके साथ, जिसके साथ पिक्चर करो उसके साथ लिंकअप कर देते थे, अरे मिस्टर बच्चन फिर, हाँ, और जिसके ऊपर जिस पर जया जी मेरे को मिली थी और मुझे इतना ऑकवर्ड लगा था जया जी से मिलना, एंड शी वाज सो स्वीट एंड शी सेज ये तो होता ही रहता है, सो देयर आर सो मेनी एंड इट्स पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सो मेरे हस्बैंड को ही डजंट माइंड बिकॉज ही नोज दैट ऐसा तो होता ही, अब नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लीग और कैटेगरी एनी मोर। अगर कुछ नया है तो डेफिनेटली, मैंने तो आई डोंट नो कि आप प्रोग्राम में कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, इतना मुझे पता है कि श्रुति इज इंट्रोड्यूसिंग द शो, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज श्रुति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और कॉलीग है श्रुति से, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, थैंक यू, थैंक यू।
बोलो प्रॉब्लम।